हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सबका नए व्लॉग में, नए भी और स्पेशल भी, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो स्पेशल होने वाला है। देखो, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज आ रही है बाहर से आ रही है, इसलिए एक्साइटेड हूँ ना, तो इसीलिए। सो बाहर से आ रही है और सुहाना ला रही है, ये थोड़ा थोड़ा तो बता देती हूँ, आगे जो और एक्स्ट्रा होगा वो भी बता दूंगी। अभी जा रही हूँ मैं मम्मी के घर, और उससे पहले दो छोटे बंदर हैं उन्हें मुझे रिसीव करना है। वो लोग मुझे मिलेंगे मोतीबाग, मेरी मासी के बच्चे। लास्ट टाइम ना लड़ाई हो गई रिया की सोना से कि तू गई मैं नहीं गई, मतलब मुझे नहीं ले गई। उसने कहा इस बार मैं भी आऊंगी दीदी, तो मैंने कहा आजा। पर वैसे वो मेरी ना देखो हेल्प करने आ रहे हैं दोनों, क्योंकि मुझे ना एक शूट करना है और वो शूट काफी टाइम से पेंडिंग है, और उस शूट के लिए ना मुझे चाहिए एक बंदे की हेल्प चाहिए, तो ये सब चीजें हैं करने के लिए। तो चलो फटाफट से पहुंचते हैं घर, एंड बाकी सारी चीजें जो जो होता जाएगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और स्पेशल चीज का भी वेट करते रहना बाय द एंड ऑफ द व्लॉग, एंड या मिडल देख लेंगे कब शूट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से शूट होगा। तो चलो चलते हैं, अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, गाड़ी रोक के बनाया मैंने व्लॉग, बेल्ट लगा लूँ, बाय। मम्मी का फोन आया, मम्मी ने बोला कि आप तुम लोग वहाँ चले जाओ, नाना नानी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तबीयत इन सेंस नॉर्मल, पैर में स्वेलिंग है और फीवर वगैरह। तो मम्मी ने कहा मैं तो नहीं जा सकती, तुम लोग चले जाओ, भाई भाभी और सुहाना सारे बाहर है, मतलब सुहाना हांगकांग है और भैया भाभी बाहर है ऑफिस, और हम लंदन जा रहे हैं, हम लंदन जा रहे थे बट अब हम अफ्रीका जा रहे हैं। सो अभी पहले नाना नानी के पास चलते हैं, उनसे मिल के आते हैं, उसके बाद वैसे सुहाना आने वाली है, सुहाना पहुंच जाएगी। क्यों बता दूं, पहले सरप्राइज खोल दे, सुहाना आ जाएगी शाम को और उसके बाद हम करेंगे अनबॉक्सिंग। अरे तो ये तो बता यार, अभी सरप्राइज है। तो चलो अभी नाना नानी के पास चलते हैं। नानी एक बात बताओ, आपकी उम्र क्या हो गई? मेरी उम्र 35। सोलह बरस की पाली। नाना को अभी भी नानी जवान लगती है। ओहो, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप बताओ, हम बता देंगे, आप जोड़ के बोलो। 70। 70 में एक कम कि ज्यादा? 70 बता रहा है, सही है। नाना है 81 इयर्स के, नानी हो गई है लगभग 70 की। हाँ बस बस है, ठीक है। और नाना नानी ये बोल रहे हैं कि ये तुम ये जो खा रहे हो इससे अच्छा घर का खाना खाओ बेटा। घर का बना रखे, दाल वो बना रखे, कड़ी बना रखे, कड़ी भी है, कड़ी भी है। नानी को मेरी नानी पास होने की कुछ खबरें मिठाई। थैंक यू। ये लड़की खिला रही पास होने में दो। गाइस ये पूरी फैमिली नौटंकी है, ये लोग नाटक कर रहे हैं, ये लाना भूल गई थी, झूठी लड़की है। अरे वही पास है ये खिलाड़ी मेरे खुशी को ढोकला। नानी मैंने दिलाए से यार, नानी मैंने रखा था ना आपको, मैंने फोन करके बताया मैं घर पर रखा है, लाऊंगी। ये 5 दिन का रखा हुआ ढोकला, खिलाड़ी तानिया खिलाड़ी, ये गलत है नानी। आप सिर्फ नारियल पानी पियोगे, ढोकला नानी को तुम नहीं खा, तू दिखा रही नहीं बोला। कैसा लगा? मैंने बोला पहले तुम खाओ, मैं बाद में बोला। नाना कैसा है? नाइस, वो तो कह दो। अब एक बार नानी को हाथ से खिला दो। नाना एक बार खिला दो। नाना अरे नहीं, नाना इस रिसोर्ट में नाना एक बार खिला दो। नाना नाना एक बार खिला दो। नाना नहीं नहीं, अब नानी को तो कैसे मना करी यार। अरे नहीं नहीं, कैप्चर कैप्चर मेरी जहर जबी तू अभी तक है हसी और मैं जवान। आज से बहुत टाइम पहले मैंने नानी को एक प्रॉमिस किया, क्या था वो आप बताओ। प्रॉमिस था हाँ, कि नानी तेरे को आपको वहाँ ले जाएंगे, अमृतसर ले जाएंगे। नानी ने कहा था मुझे कि मैं अमृतसर देखा हुआ नहीं, मैंने गुरुद्वारा गुरुद्वारा हाँ, नानी ने वो साल और वो भी नहीं ताजमहल भी नहीं, ताजमहल भी है। तो नानी ने बोला नानी मैं दिखाऊंगी, मैं ले जाऊंगी आपको। पर मैंने ना वो वादा मैंने अभी तक पूरा किया नहीं है, पर वो बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, और उसमें मे भी हम एक छोटा सा ट्विस्ट भी करें, पर वो बता देंगे आपको थोड़ी दिन में। तो अभी हम नाना से ही पूछ रहे हैं कि नाना
आपने चलना है नहीं। नाना हमेशा बोलते हैं अरे तुम मुझे कब ले जाओगे घुमाने, फिर बोलते हैं अरे अभी तो मेरे पैरों में दर्द है। नाना अब आप कंफर्म बता दो, नेशनल टीवी पे बता बोलो ना, बोलो कहाँ जाना है बोलो ना। अरे ठीक हो जाएगा तो चलेंगे। देखो फिर बहाने करने लगते नानी। अरे देख ले तो ये हाल है मेरे। नाना ये तो उम्र गाड़ी में जाना है, क्या हुआ सर? गाइस बता दूं नानी को मन करता है मैं कहाँ कहाँ ना घूमूं, और नाना का मन करता है कहाँ कहाँ से बच जाऊं। गाड़ी में वहां ट्विस्ट है। नानी अमृतसर तो क्या ही जाएगी बेटा, नानी दुबई गई है। हां ये बात है, मजाक है मेरी। ये भी देखिए थे बच्चे तो लेके गए थे दुबई के। गोल दिया हम यार, हमें यार ट्विस्ट बता दूंगी। जब से तेरी शादी हुई, जब से तू वहां गई, तेरी सांस के अंदर बहुत बदलाव आ गए। मम्मी के अंदर? हाँ सास के अंदर बहुत बदलाव आ गए। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा तेरे जाने से, मजे मजा आ गई तेरे जाने से। तेरे सास में बहुत बदलाव। हाँ, तेरे सास से पहले इतने नहीं बोलते थे वो, और अब उनका बोलना चालना 24 घंटे खुश भी रहते हैं। वो पहले नहीं बोलते थे, खुश रहे। नहीं अब आंटी ना सेवेज रिप्लाई देते, नहीं खुश रहते वो। अब बहुत बदलाव है पहले का, अब तो बहुत बदलाव है। तेरे साथ 24 घंटे जैसे वीडियो बनाने में मैं थोड़ा ना उन्हें एंटरटेन करती रहती हूँ, हंसी मजाक करती रहती हूँ उनके साथ, अपने ससुर के साथ भी। हाँ पापा तो पहले बोलते ही थे, पर इसका मतलब मम्मी अब आप ब्लॉग में और बोलोगे? नहीं नहीं बहुत बहुत फर्क पड़ गया, काफी फर्क पड़ा। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आ जाए रखने भी चाहिए सास ससुर को, खुश रखना चाहिए तभी सही है। जब सास ससुर को खुश रखो बस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गाइस नानी प्राउड ऑन मी, बहुत अच्छा। बाय 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 बाय। देख नानी ने पलट के मुझे पूछी गई, तुझे नहीं करी नहीं अगर तुम्हें डबल, अच्छा डबल कर दूंगा नानी। नाना जबरदस्ती लिए, नाना बाय कर दो, बोलो उन्हें बाय बाय बाय। इतना टॉर्चरिंग है ना छोटे भाई बहन होना, अपनी मर्जी से गाना चलाते, एक गाना मेरी मर्जी का चलने नहीं देते, और लड़ रहे हैं गानों के लिए। स्नैप बन गए, और एक इनकी स्नैप, मैं स्नैपचैट में नहीं हूँ लेकिन ये हर चीज यार, मतलब ये पॉटी करने पे भी स्नैप डालनी होती है क्या? सुहाना गई फ्लाइट से और हम कोई पहुंच गए घर, और अभी उसे पूछती हूँ कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। सुहाना किधर है? बस इतना बता दे किधर है। बैग में? एक सेकंड दोनों, तू ऐसे ऊपर कैसे चल रहा है, सोने दो उसको। बैग में, बैग में है। ओ भाई लग गया यार, पहले मैं आईना क्या खोल दूंगी, मैं बदतमीजी मत करा कर। रुक जा, फाइनली मेरा गिफ्ट आ गया। थैंक यू दीदी मेरे बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए। गाइस नवा फोन जो कि है मेरा फोन, से पहले जो तू स्पेशली देखना चाह रही थी वो तो देख ले यार। ठीक है तू कवर ले ले फोन का, मैं ले ली। मुझे तो दिखा दो, दिखाओ ठीक है। तो प्यारा लग रहा था जी इसमें ना, ये वो इसमें ना मिरर सेल्फी बहुत अच्छी है। बाउंसी वाले ना? चाहिए था बहुत ज्यादा, रिक्वायर्ड था, बिल्कुल भी नहीं काम चल रहा था मेरा इसके बिना। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, दो दो घंटे मेरे पास जो था वो 14 प्रो मैक्स था, ये है 15 प्रो मैक्स। आई नो लोग बहुत पहले ले चुके हैं लेकिन मैं बहुत बहुत टाइम बाद ले रही हूँ। अनबॉक्सिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा कोई मैंने स्पेशल अनबॉक्सिंग नहीं किया, ओपन करके ही सुहाना ये लेकर के आई थी। कलर ऑप्शन नहीं थे यार इसमें, सिर्फ चार कलर ऑप्शन थे, टाइटेनियम, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट। तो अब घर जाके मम्मी निपुर और इन सबको भी ये फोन दिखाना, कितने का आया वो भी घर जाके बता दूंगी, क्योंकि निपुन को झटका भी दे रहा है। निपुन इतने कंजूस है यार, मुझे घर भी पहुंचना है, उससे पहले मुझे शॉप का भी थोड़ा सा काम करना है, तो वो कर लेंगे। मेरे को ये लोग फोन देखने भी नहीं दे रहे और अपनी स्टोरी स्नैप लगाए जा रहे हैं। यार क्या करूँ इन बच्चों का, साइड का बटन दबा देना। मेरे से ज्यादा एक्साइटेड हुए। ये तानिया दीदी का है, बताना कौन सा प्यारा है, और ये शालू दीदी का। ठीक है ओके, नहीं एक्साइटेड हैप्पी एंड प्राउड, सारी फीलिंग एक साथ। इसमें सब्जी है, सब्जी
कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कवर अच्छा लगा। इसको ये इसका बियर ओपन भी होता है। पानी ले दो बाबू, इसमें क्या खाते इसके लिए? इसके लिए ये पसंद आ रहा है। अब प्राउड ऑफ यू, इसके लिए बोलो मुझे। नहीं इसके लिए तो प्राउड ऑफ यू, लेकिन इसके लिए सच में प्राउड ऑफ यू। भाभी लो पानी। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। ये खोल के देख लो, कलर नहीं सोना के कलर जैसा है। दम शराब हिंदी इंग्लिश टू वर्ड्स लो क्यूट। अच्छा ओके, तूने इसे मंगाया था बाहर से? हाँ। वाला फोन टूट सकता है। कल इतने कितनी बुरी तरीके से, पता मुझे एक बार को लगा कि भाई ये फोन गिरा और वो आया, मैंने कहा हो गया इस वाले का काम। और कितनी तेज गिरा था ना फोन। हाँ मैंने तो गिराया था, मैंने तो पुराना फोन ऐसे फेंक दिया था नए की खुशी में। और ये नहीं आता फिर कहीं में, कहीं गिरी गई थी। गाइस मेरे ब्लॉग बंद हो जाते का, मेरा फोन टूट गया था। अगर ये नहीं आता तो बस काम हो गया था। मतलब एक नया फोन आता है तो हम लोग उसको कितनी बार अनपैक करते दिखा दिखा एक एक करके। हाँ, अभी हम पूरे दिन करते रहेंगे। चलो बाय। पहले से बहुत खातिरदारी होगी फोन की, पूजा होगी। अभी रात के 8:30 बज गए और अभी जस्ट गैराज से मैं ऊपर आई हूँ। मेरे हाथ में मिट्टी है बहुत ज़्यादा, एकदम काले काले हाथ हो रहे हैं, अच्छे से दिख रहे होंगे। तो हमने गैराज पूरा सेट किया है, इतने कॉकरोच वो निकाले, पूरा गैराज सेट कराया। इतना बेकदरी होती है ना सामान की, कभी कभी ऐसा लगता है यार क्यों हो रही है ऐसे। इन दोनों शेरों ने आज कमाल करके दिखाया, वरना मेरे अकेले कुछ भी तो वश की नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। ये मेरा लड्डू लड्डू का सामान एक्सचेंज, इधर का उधर, उधर का इधर, और अब ये सुंदर दिख रहा है, एकदम सेट हो गया है। अदरवाइज बहुत बुरी हालत हो गई थी। ये सब लोड किया है वो सारा, आई मीन यहाँ पे छोटा कम दिख रहा होगा बट ये बहुत ज्यादा है। ये लड्डू कैसे बहता है, मेरा बिस्किट काने बिस्किट खाता है। इधर आओ ना, गुड बॉय कौन है? लड्डू है। रुको रुको, दे रही देख दे। लड्डू फूड नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, ओनली बिस्किट ओनली। हाँ हाँ बेटा, ये तो खा लिया एक वो भी। बॉल भरे लग रहा हूं। क्रेटा नहीं है, ये क्रेटा नहीं है, आज आपको दिखा देती हूँ। ये है छोटा हाथी, छोटा हाथी। वो जो बुलेर, क्या बुलेर है वो? बुलेर बुलेर जिसमें लोड होता है सामान, ये लोडर गाड़ी है, जिसे क्रेटा मत बोलना। घर वापस जाने की तैयारी हो गई है और ये सारा सामान जो वहाँ जाना है वो रिफिल कर लिया है। और बस अब एक बार घर जाऊँगी क्योंकि घर में मम्मी आ गई है, उन्हें भी फ़ोन दिखाना है और उसके बाद चलेंगे घर। उससे पहले बुक के बच्चे हैं, ये इसे ये खाना है, उसे भी ये खाना। अगर तूने ये ख़राब करा और नहीं खाया तो तेरी पिटाई है। ख़राब करा ना तूने। अच्छा ये भी चाहिए इसे, देखो ये देखो, लालच बुरी बला है ना मेरी बच्ची। लो जी चलो खानी ना, खा उसको। सुहाना और भाभी ने मुझे बोला फ़ोन लिया और पार्टी नहीं दी, तो पार्टी तो बनती है तो इसलिए उनके लिए कुछ ले रही हूँ। सो अभी टाइम 9:30 हो गया है लगभग और मुझे घर भी निकलना है फटाफट से, बट ये था कि मुझे मम्मी को फ़ोन भी दिखाना था यार, तो इस वजह से। थैंक यू सो मच। पेमेंट हो गया ना? तूने बोला तो है ले आई। कंग्रेट्स तो तूने बोला नहीं, बट तू मेरे लिए फ़ोन लाई तो मैं थे फॉर माई फोन। कंग्रेचुलेशन तो है ही ना यार, सब दिखा दे। और क्या मम्मी के लिए? इसको वो दिखा मम्मी के लिए। सुहाना ये स्टॉल क्या हो गया उधर, क्या दिखा? क्या है पहले ये ना भागे जा रहे हैं, कह रहे ये लाए, मतलब उस टाइम में नींद में थी ना। क्या है? ये थोड़ा अश्लील है। अश्लील है ये अश्लील है। ये फ्रस्ट्रेशन हटा रहा है। गाइस कितना क्यूट है, ये मुझे चाहिए पता है, स्ट्रेस बस्टर है ये। क्यूट नहीं मुझे मेरा कवर पेपर, ये कितना क्यूट है। इसके बम पे लग गई है, जोर से लग गई है, टूट रहा है। देखे। और अब ये क्या है यार, तो इस दुनिया की है, मतलब कैसी कैसी चीजें पसंद आती। क्या है ये? ये सैंडल किसके हैं? ये वाला शॉल देखा आपका? ये है इसका। क्यों मम्मी इतना प्यारा लग रहा है मम्मी, देखो। और ये देखो, करूंगी जब तू ये मुझे देगी। क्या बोलेगी? नीचे क्या, ये क्या बोल दिया आपने? मेरे
भाभी कहनी नहीं चाहिए वाओ भाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं क्या ये ले लो आपको चाहिए तो मैं अभी आपको ये लिख के दे दूं अब ये फोन लेंगी क्योंकि सुहाना के पास 15 है मेरे पास है अब ये बिना फोन लिए मम्मी नहीं रह सकती ये लेंगी अपने लिए भी अच्छा मुझे एक बात हां जी क्या फर्क पड़ता है इसको करना ना है तो आधा एप्पल ना पर चाहिए भी आपको चाहिए भी था आपको आधा एप्पल पर चाहिए 14 प्रो से छोटा है ना थोड़ा 14 नहीं माँ स्लीक है अच्छा है मेरा भारी है तेरा भारी है हाँ मेरा हैवी है ये सही है सुहाना कल ये फोन इतनी तेज गिरा ना अब पार्टी दे दी है कोई नहीं बोलेगा ये पार्टी है ये प्रो मैक्स है ये पार्टी है माँ महंगा तो है तो अच्छा मतलब आप मुझे इनडायरेक्ट बता दिया गया पैसे इकट्ठे कर लो सारे अब उन्हें ये चाहिए मैंने बर्थडे पे दे देना बर्थडे पे बर्थडे मेरी मम्मा का जल्दी दो मेरे बच्चे मुझे दे देते जो मैं मांगती क्या मेरे बच्चे मुझे दे देते जो मैं मांगती चल ही थोड़ा गड़बड़ है मम्मी को तो दे दे पहले नहीं बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी सच में वो तो रामयान खानी है ना इसलिए ऐसे नहीं कि मेरे को रामयान बना के दो दे दे उसको तो एक दे दे उसको ये होता है मेरे साथ घर में सुहाना की शादी हो जाएगी ना और तब मम्मी ने इसे कुछ दिया तो फिर मैं पूछूंगी कि तू क्यों ले जा रही है मतलब शी इज जेलस ऑफ मी बाबू खुद ही लेके आ रही है उसका बनता है बोलना तुम लूटते हो उसे किसकी टीम में हो मैं प्यारी मैं हूँ टीम में उसके हो जाते हो क्या करना हमने इस गुलाब का पार्शियलिटी कर दे मेरे साथ मैंने आना बंद कर देना है नहीं नहीं तू आ जा बाय रामयान बाय सुबह नहीं भाभी मैं जा रही हूँ लेट हो रहा है फोन दे दो रामयान से महंगा चलो बाय आप आ रहे हैं नीचे चलो बाय हेलो ये आ गया सिंबू ये आ गया है मोती और जी आ गई है बेला कम है बेलो अच्छा मोती कितना खुश हो रहा है मोती इतना तेज है मोती को पता है कि मुझे ट्रीट मिलेगी इधर और ये सिम्बा को इतना डांटता है पर सिम्बा बहुत बिचड़ है उसको बहुत परेशान करता है हाय लू हाय हेलो ये देखो ट्रीट के लिए कैसे भाग रहे हम सीट हो गए ये दे दो मोतू आजा ए भूखे बच्चे ए सबसे चुप हो जा भूखे बच्चे मधु आजा बेटू इसकी भी दे दो मोती ले बेटा गुड बॉय अब खाएगा वो बैठ के खाएगा हाँ आ जाओ पता है नहीं मैं बताता हूँ आपको पहले आप मेरा फोन नहीं देखो अरे फोन तो मम्मी के साथ देखी इसने है ना पिछले 4 महीने से सारे घर के फोनों के ना डाटा भर दिए हैं मेरे फोन में मतलब कुछ नहीं बचा है इतना पैक 100 रुपए का फोन पैक यहाँ डाटा इतने दिन से बोल रहा कंजूस नहीं ले रही थी फोन तो अब की बार जबरदस्ती यार तो फिर जब लगा कि ले सकती हूँ तो भाइयों आप सब है ना कमेंट करके कांग्रेचुलेशन बोलना इसे और इसने फोन मतलब कि ले 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 भाई पर नहीं नहीं भाई हम गरीब नहीं ले पा रहे भाई नहीं लेंगे हम फोन हाँ नहीं ले पा रहे देखो मैं अपना फोन यार मैंने भी बहुत इसलिए लिया है कि बहुत ज्यादा काम हो गया था निपुण निपुण आपके पास भी नया ही फोन आया है नहीं नहीं मैं अपना टेंशन नहीं लो निपुण के तो फोन की बुरी हालत ये देखो ये देखो कोई बात नहीं पता लग गया ये भगवान ने आपको दिखाया कि निपुण फोन कैसे तोड़ते बस इसी तरीके से फोन देखो भाई कौन कितनी बार गिराया बताना कितने केयरलेस मैं यही रखूंगा ये मेरा प्यारा फोन नहीं ये फोन अब वैसा जाएगा सिर्फ स्टोरेज के लिए कभी कभी हेल्प क्योंकि ये जो है ना ये 1 TB है तो क्या कौन सा है 1 TB हो रखी है टीवी टीवी नहीं 1 TB और क्या मतलब स्मार्ट प्ले कर रहे हैं बट इन्हें फोन वगैरह की ज्यादा नॉलेज है मुझे बता दिया मम्मी पापा को नहीं बताया पापा सो रहे हैं अभी उठाएंगे पापा नमस्ते ये पापा अपनी आज तो पापा AC चला रखे है आपने मम्मी पापा मारेंगे मम्मी आपने AC चला के पापा ए भगवान ठंडा नहीं करा पापा और कुल्फी जमा हो गई यहाँ नया फोन लेकर आई पापा यहाँ
कौन से देश से? ये बीच में पापा स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें स्टोरेज है, स्टोरेज है। पापा पापा आपका फोन क्या आया था? 1100 का। अरे यो बुझियो यो क्या आया है? है? 2200 का। 22000 का पापा बस। कितने का? नमस्ते। चाइना में भी नमस्ते कर रहे हैं। ये पापा का फोन है भाई 1100 का। पापा पीछे से देखो कलर अच्छा है ना? यो आज के टाइम में लेटेस्ट फोन है। मम्मी से तो बता रहे क्या प्राइस? मम्मी ने तो बीर मम्मी ने ना बीरा कुछ आई है सेम कलर अलग है लेकिन उससे एक ऊपर है मम्मी वो यो 14 है जिससे वीडियो बनाओ यो 15 है मम्मी ना उतना ही है उससे थोड़ा सा हल्का है मम्मी सही कह रही है ये मम्मी भी बोल रही थी कि वेट हल्का है अच्छा मम्मी ने फोन ने चलाए हैं भाई ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई मैंने बोला था आपको बताऊंगी सो यार ये फोन पड़ा है दिल्ली में इंडिया में कितना था 193 अराउंड था वो भी डिपेंड करता है अलग अलग जैसे अमेजोन वगैरह में ये लोग बता रहे थे कि अलग 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 प्राइस है पर 190 के आसपास है अभी यहाँ पर सो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि स्पेशली बाहर से मंगाया बाहर से इसलिए मंगाया क्योंकि हमने प्राइस कंपेयर किया पहले सो हमें ये नहीं भी है तो अच्छा डिस्काउंट हमें मिला अराउंड 40,000-50,000 के आसपास नहीं इतना नहीं ये इतने का पड़ा तो इतने पैसे खर्च हो गए रोती रहती है पैसे रो नहीं रही हूँ यार 24 घंटे क्या रोना है भाई याद कर रहा है भाई जब ना मैंने वो ऐसे दिए ना यहाँ दुखता है जब फोन भी तो लिया होगा ना तब नहीं दुखा तो भाई कल है ना बड़ी मम्मी का रिएक्शन दिखाएंगे पैसे बताएंगे उन्हें कि ये 2 लाख का फोन है मम्मी की एक्टिंग करूं मम्मी की एक्टिंग करूं पकड़ो मम्मी की एक्टिंग बता देंगे बड़ी वाली ए बेटी तन्ने तो चाला पाट दिया यो फोन आया करे यो 2 लाख के फोन हो है के बेटी तुम्हारा भी कतीना से जा रहा है बड़ी मम्मी जब मैंने बताया मम्मी बोली कितने का फोन आया मम्मी इतने का आया इतने को आया मम्मी इतने देख रहे क्या चलो भाई चलो भाई अब हम गप्पे लड़ा रहे हैं